नर्मदे हर। अभी हम यहाँ पर हैं नर्मदा जी के उत्तर तट पे, सॉरी नर्मदा जी के दक्षिण तट पे हैं, उत्तर तट से तो आ रहे हैं अभी। तो दक्षिण तट पे आपके क्या नाम, बरमान घाट से थोड़ा सा नीचे एक आश्रम यहाँ नया बना हुआ है, जिसको इस्कॉन संस्था ने बनवाया है। ये 2016 से बना है। तो चलिए देखते हैं इस्कॉन का। वैसे तो हर जगह प्रभुपाद जी के भजन में लोग रहते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। देखते हैं नर्मदा खंड में क्या कुछ अलग होता है इस्कॉन का, या ये अपना ही वही काम कर रहे हैं जो हर जगह करते हैं। जैसे कि हमारे साधु महात्मा अन्य जगह पर अलग अलग काम करते हैं, लेकिन अगर नर्मदा खंड में कोई साधु महात्मा है तो वो सब यहाँ सेवा कर रहा है परिक्रमावासियों की। तो आइए जानते हैं इस्कॉन मंदिर में भी कि यहाँ पर माँ नर्मदा जी के या परिक्रमावासियों के या प्रभुपाद जी के बारे में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। आइए नर्मदे हर, ये देखिए नर्मदा जी के किनारे इस्कॉन मंदिर, देखिए नर्मदा जी के किनारे भी इस्कॉन मंदिर मिल गया, तो श्रीपदा धाम के नाम से है, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट। ये देखिए ये यहाँ पर गौशाला भी है, गौवंश भी है। ये मैंने नर्मदा खंड में देखा है कि प्रत्येक आश्रम में आपको गौवंश अवश्य मिलेगा। हाँ, गौ की सेवा होती है और दूध घी जो है वो गौ माता से ही प्राप्त करते हैं यहाँ पर अधिकांश। तो ये यहाँ पर कुछ पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। वाह ये, अरे वाह, ये तो भाग गए सब, सब भाग गए। तोते हैं विदेशी, हाँ विदेशी, हाँ हाँ ऊपर बैठे, वो सब ऊपर बैठे हैं। देखो देखो आप आपस में बातें कर रहे हैं। हाँ निकला था उसको बुलाते हुए। बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। प्रभु जी नर्मदे हर, हरे कृष्णा। हम भूल जाते हैं नर्मदे, नर्मदा जी के किनारे चलते हैं तो नर्मदा जी का ही निकल जाता है। तो प्रभु आपका शुभ नाम? भक्ति जीवन ब्रजानंद स्वामी। आप यहाँ आश्रम पे कब से हैं महाराज? हम यहाँ आए 2006 में पहले आए थे जी, जब मिला था धान में, तो उसके बाद लेकिन पूरा आए 2016 में यहाँ, मतलब आके शुरू किए बनाना। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जमीन मिला था 2006 में। अच्छा 2016 से स्टार्ट किया, यानी 6-7 वर्ष हो गए आपको यहाँ पर। तो प्रभु ये नर्मदा जी के किनारे का कैसे, मतलब दिमाग में कैसे आया कि नर्मदा जी के किनारे चलना चाहिए? नर्मदा जी किनारे हमारे गुरु जी आए थे यहाँ 2006 में। अच्छा अच्छा, जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे जी। तो उन्होंने एक बार यहाँ आए थे, यहाँ तिग्नाथ परिवार, डॉक्टर तिग्नाथ परिवार है नरसिंहपुर के, उन्होंने बुलाए थे उनको। अच्छा, तो उनको ये त्यागा देख के थोड़ा प्रश्न लगा जी कि यहाँ भक्ति के भक्तों लोग के लिए, भजन धारण के लिए अच्छी जगह है। अच्छा अच्छा, और विशेष करके कुछ किताब लिखना पढ़ना ये करना चाहते थे वो। अच्छा, टाइम है अपने यहाँ पर, तो इसलिए उनको यह जगह अच्छा, इसलिए 2006 में उन्होंने लिए थे ये जमीन। अच्छा अच्छा, परचेज की थी? नहीं, उन्होंने दान में दिए थे। अच्छा, दान में दिए थे उन्होंने, रघुनाथ परिवार दान में दिए थे जी जी।
तो उसके बाद 2016 से आप आ गए यहाँ पर। हाँ, हम नरसिंहपुर, पहले नरसिंहपुर में हम लोग रुके वहाँ पे जी, वहाँ किराए में मकान में रुके थे, पर अपना थोड़ा प्रचार प्रसार इस काम का कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे फिर जमीन में हम देखे थे दूसरे लोग आके उसमें टपरिया बनाने लगे, तो फिर हम तो नहीं जमीन में जाना चाहिए, नहीं तो फिर उनको जी जी करना दिक्कत हो जाएगा बाद में। जी जी, तो प्रभु कुछ महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा संदेश। हाँ, यहाँ तो विशेष करके हम लोग भगवान जगन्नाथ जी के वो लेकर आए थे यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ विशेष करके भगवान कृष्ण का भक्ति भाव सीख ये करने के लिए। अच्छा, लोगों का बीच में इसको जागरूक करने के लिए हमारा ये उद्देश्य है। अच्छा अच्छा, अरे इस्कॉन संस्था तो जानते हैं आप लोग सारे। हाँ हाँ, इस्कॉन तो सारे विश्व में भक्ति का जागरूक कर रहे हैं पूरे विश्व में। जी, तो यहाँ हम लोग छोटे जगह में गांव में लोगों को थोड़ा ये करने के लिए जी हम लोग प्रयास जारी है। अच्छा, और विशेष करके जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यहाँ पे गांव गांव में करना जी, लोग जो जगन्नाथ पुरी नहीं जा पाते। हाँ हाँ, तो ये दर्शन कर लेते हैं, दर्शन हो जाता है रथ यात्रा का, ये मिलता है। जी जी, तो ये हमारा उद्देश्य है यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, लोग को भगवत ये करना है जी, क्योंकि आजकल ज़्यादा युवा सामाजिक इसे भगवत भी न होते जाते हैं। हाँ हाँ, तो थोड़ा भगवत भक्ति जागरूक करने का यही हमारा। अच्छा 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 अच्छा, मैं प्रभु ने नर्मदा जी का कुछ महत्व तो आपकी दृष्टि से। नर्मदा जी का महत्व तो हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हमको ये विश्वास है साधु संत महात्मा यहाँ जो किनारे सभी रुके हैं जी, कई दिन हम सुने हैं सभी इनके बारे में जी। और नर्मदा जी सख्यात ये जी, ऐसे नहीं एक नदी है, ये जल का रूप में सख्यात विराजमान है जी नर्मदा जी। तो कई संत हमको ये थोड़ा प्रभावित किया था, यहाँ पे ब्रह्मा जी के तपस्थली जो ब्रह्मांड जी, जी जी, ये तपस्या के ये ब्रह्मा जी यहाँ खुद तपस्या किए थे जी, तो उसमें हम प्रभावित है। और कुछ कुछ हम लोग पुराने से पढ़े थे नर्मदा अच्छा, जी के बारे में जी, तो उसमें हम लोग थोड़ा प्रभावित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं कि नर्मदा जी के किनारे जी उनकी आश्रम में रह के भगवान का भजन कर सकते हैं हम लोग। बताते हैं कलयुग की साक्षात देवी हैं। हाँ, ऐसा लोगों का मानना है अधिकांश। हाँ, ऐसे तो कई से पुराण में भी ऐसे कई वर्णन है जी कि कलयुग के अंत में गंगा जी से लुप्त तो हो जाएंगे, नर्मदा जी सबको उद्धार करेंगे, ऐसे पुराण में है। ऐसा नर्मदा पुराण में है, नर्मदा पुराण में है जी। हाँ, बताते हैं कलयुग में गंगा जी नहीं रहेंगी, गंगा यमुना दोनों लुप्त हो जाएंगी, तो फिर नर्मदा जी ही सबका कल्याण करेंगी। हाँ, वही पावन करेंगे, ऐसा कई एक साधु संतों के द्वारा मैंने सुना है, पढ़ा तो नहीं कहीं, क्योंकि नर्मदा पुराण भी मैंने पढ़ा नहीं है। हमको क्या कि वो अमरकंटक में बाबा थे, वो जानकारी दे बता रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, नर्मदा जी की महत्व। जी जी जी, यहाँ जो आज पाजित तपस्या तो, करे वाले हैं हाँ, वे सभी लोग ये कहते हैं कि सबसे कम समय में मैया किनारे तपस्या करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हाँ, ऐसा बताते हैं, कहते हैं गंगा जी में स्नान करने से पवित्र होते हैं, दर्शन करने से, दर्शन करने से हो जाता है। जी जी, तो नर्मदा जी के तो महात्मा है, बहुत सारे भागवतम पुराण में भी जी, है ऐसे, बहुत सारे पुराण में भी है नर्मदा जी के बारे में। नर्मदा जी के बारे में काफी लोगों के मुंह से सुना गया है कि वो ऐसी देवी है कि सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। कुछ लोग तो इनको कल्प वृक्ष मानते हैं। हाँ हाँ, कि कल्प वृक्ष के नीचे आप जो मन में विचार करेंगे वो आपके साथ घटित होगा। हाँ, लेकिन हमको सावधानी होकर मानना मांगना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, मांगने में भी मतलब परोपकार होना चाहिए। हाँ, और अपने का जो विशेष कल्याण होना चाहिए, विशेष जन्म मृत्यु से जी जी, अपने साथ साथ लोक कल्याण का कार्य होना चाहिए, तो वही माँ देगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी के बारे में बुरा सोचने लगे, अपने स्वार्थ के लिए मांगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। परिक्रमा करने वालों तुम लोगों से विशेष तरह हमने ये सुना है कि भाई परिक्रमा में जाते तो खाने पीने का ही विशेष वो रहता है लोगों को, भाई कुछ लेके नहीं है,
तो भाई हम जो लोग सोच के चलते हैं आगे बढ़ते, तो मैया की कृपा से हमको वही खाने मिल जाता है। हम सोचते कि आज बड़ा मंगोड़ा मिले तो बड़ा ही मंगोड़ा मिल जाता, वही मिलता है। ऐसा मतलब लोग बताते हैं, परिक्रमावासी अधिकांश ऐसी बातें बताते हैं। हाँ ये तो ऐसे ही है कि नदी है पूरे विश्व में कि जिसको परिक्रमा किया जाता है, दूसरे कोई नदी नहीं होती परिक्रमा, किसी की नहीं होती है, नहीं नर्मदा जी की। जी प्रभु, अच्छा यहाँ आश्रम पे और क्या एक्टिविटी रहती है, जैसे मेडिटेशन के अलावा और कुछ? नहीं, अपने दिनचर्या से सुबह से शुरू हो जाता है 4:30 बजे जी, मंगल आरती भगवान का होता है, फिर भगवान को श्रृंगार प्रसाद करना, भगवान के लिए भोग बनना प्रसाद। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके अलावा जैसे हम लोग जाते हैं प्रचार के लिए कहीं गाँव, और इसमें कि लोगों के बीच में सत्संग कराना शाम। अच्छा अच्छा। ये तो ये मुख्य कार्य है कि लोग भगवत ये करना। हाँ, भगवत चर्चा से जुड़े चेतना में ये। अच्छा, परिक्रमावासी यहाँ आते हैं? नहीं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। ज्यादा थोड़ा सुविधा नहीं है, रुक जाते हैं नीचे, नहीं वहाँ धर्मशाला। अच्छा। हाँ हाँ, धर्मशाला में तो वहाँ तो वो महाराज जी अपने हाथ से भोजन करा के खिलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।